हेलो दोस्तों, मेरे पास 15 एम्पीयर का एक चार्जर आया है जिसको मैं 800 लीड वोल्ट दे रहा हूँ। सीरीज लाइन में एसी दे रहा हूँ। मेन लाइट तो जल गया, ये नहीं जल रहा है। 30% भी जल नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, इसको खोल के देखते हैं। जब भी आप कोई चार्जर खोलेंगे तो पहले आंखों से देख लेना, ठीक से हर तरफ नजर घुमाकर। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर आँखों से ही फॉल्ट आ जाता है कभी कभी। मुझे बहुत लोग कमेंट कर रहा है 35, 3525 आईसी आउटपुट नहीं दे रहा है, क्या करूं? देखिए, नया आईसी भी खराब हो सकता है। मेरे साथ ऐसे बहुत हुआ। इस चार्जर में मैंने देख लिया, इसका जो ये पीएफ है इसमें 3.3 के 400 वोल्ट पीएफ में फटा हुआ दिख रहा है। इसको खुल नहीं रहा, इसको खोल लिया। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 3525 आईसी, ये नया भी खराब हो सकता है। इसका ये 9 नंबर पिन में 5 वोल्ट आना चाहिए। इस 9 नंबर पिन में 5 वोल्ट आएगा तब ये चालू होगा। जब ये आईसी चालू होता है 9 नंबर पिन में 5 वोल्ट, 5.5 वोल्ट आता है। ठीक है, पहले मैंने इसको लगा लेता हूँ, लगा कर देखता हूँ इस चलता है कि नहीं। तो पिन रहेगा यहाँ पर, और एक बताऊंगा, पहले इसको लगा दूं, उसके बाद नहीं चलने का और एक एरिया में आज आपको बताऊंगा।
एक तार खुल गया। मैंने तार लगा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये ग्रीन वायर खुल गया, इसको पहले लगा लेता हूँ। पीएफ को तो मैंने लगा लिया 400 वोल्ट, 2.2 मैंने लगाया, 225 400 वोल्ट लगा दिया। यहाँ पर रहते हैं 3.3 के, इसका मतलब 335। ठीक है दोस्तों, देखिए खराब हुआ था, ये पिन निकल गया मैंने खोलने के समय, यह फटा हुआ है। देखिए फट गया, ये तो इसको पहले चला लेता हूँ। ये तो चालू हो गया, दोनों एलईडी लाइट जल गया। ठीक है दोस्तों, आपको एक बात बताना था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक TL431 है, इसका ये देखिए 3 नंबर पिन में 12 वोल्ट आना चाहिए, मिडिल पिन में 0.34 ऐसा रहता है, और एक नंबर पिन में 2.53 वोल्ट ऐसा रहता है। इस पिन, इस TL431 का ये जो वोल्टेज दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए मिडिल पिन में हाफ वोल्ट के करीब रहता है, 0.5 0.4, और यहाँ पर जो 12 वोल्ट यहाँ से निकलता है वो डायरेक्ट एक नंबर पिन वो 3 नंबर पिन में आ जाता है, 3 नंबर पिन में 12 वोल्ट आ जाता है, और एक नंबर पिन में आपको 3 वोल्ट के करीब आता है। मैंने सीरीज लाइन में दे दिया इसलिए काम दिखा रहा है। और यहाँ पर देखिए 9 नंबर पिन में 5.68 वोल्ट दिखा रहा है, 9 नंबर पिन में आपका वोल्टेज नहीं आया तो आईसी चालू नहीं हुआ। ये आईसी नया भी ख़राब होता है, आप एक नया लगा दिया और छोड़ दिया नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा आईसी सही है कि नहीं, दूसरा लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर के बारे में मैंने बताता हूँ, ये एक भी शॉर्ट हुआ तो भी आपका आईसी से आउटपुट नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, आईसी नहीं ऑन होगा। इस चार्जर को हम डायरेक्ट लाइन दे रहा है, डायरेक्ट लाइन दे दिया, देखिए चालू हो गया। ठीक है दोस्तों, एम्पियर देखिए 15 एम्पियर के करीब आ गया, एलईडी ब्लिंकिंग करने लगा, पंखा भी चलने लगा। ठीक है दोस्तों, आज रखता हूँ, मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, मेरा नया चैनल है, आप सब अच्छे रहे। ठीक है दोस्तों, आज रखता हूँ।